نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, आज रमज़ानुल मुबारक के अहकाम से मुतालिक पूरे दिन का जो एक दीनी कोर्स मुनाकद किया गया है, इसका मकसद रमज़ानुल मुबारक की तैयारी। रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी हुई एक नेमत है, जिसमें एक इंसान अपने तक्वा, अपने ईमान, अपने सब्र, दीन पर साबित कदमी, मुजाहदे की सलाहियत और इन तमाम चीज़ों की तक़वियत अपने दीन में, अपने आमाल में, अपने किरदार में पैदा करता है। एक ऐसा महीना है जिसके ज़रिए से हम दीन पर जमने की इस्तेदाद अपने अंदर पैदा करते हैं। इस महीने में एक मोमिन बंदा सब्र करने वाला, तक्वा वाला, नेकियों में सबकत करने वाला, नेकियों का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करने वाला, गुनाहों से बचने वाला, अल्लाह से दुआएं करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला, सदका और खैरात करने वाला, और इसी तरह से और बहुत सारी नेकियां हैं जिनमें उम्रा और इस तरह की और भी कई नेकियाँ हैं, इनका अहतमाम करने वाला बनता है। रमज़ान एक मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह की तरफ से दुनियावी, दीनी, ज़ाहिरी व बातिनी बरकतों का ज़ुहूर होता है। लिहाजा इस महीने की क़द्र करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और इस क़द्र के एतबार से इस महीने से पूरी तरह से फ़ायदा उठाना ये भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। एक तैयारी रमज़ान के एतबार से ये है कि एक मुसलमान रमज़ान के महीने में गुनाहों से बचने और दीनी आमाल करने का मिजाज पहले से अपने अंदर पैदा करे, उसके लिए तैयार रहे। दूसरे ये है कि रमज़ान से मुतालिक जितने अहकाम हैं, फ़िक्ही एतबार से एक मुसलमान उनकी तैयारी करे, यानी कौन सी चीज़ रोज़ा तोड़ती है, किस पर रोज़ा फ़र्ज है, तरावीह के क्या अहकाम हैं, सदक़तुल फ़ित्र के क्या मसाइल हैं, इस तरह से और बहुत सारे मामला जो रमज़ान से जुड़े हुए हैं, फ़िक्ही एतबार से एक मुसलमान उनके बारे में तफसीली मसाइल जान ले। दूसरी चीज़ ये है कि एक मुसलमान ईमानी एतबार से, दीनी एतबार से, रूहानी एतबार से रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके दिल में अमल के एतबार से इखलास हो, उसका रोज़ा इखलास वाला हो, उसकी तरावीह इखलास के साथ हो, उसके सदक़ात व खैरात इखलास के साथ हो, अल्लाह की महब्बत, अल्लाह से मिलने वाले अजर का यकीन, अल्लाह के लिए अपनी चाहतों को क़ुरबान करने का मिजाज, और अल्लाह के बंदों के लिए दिल में रहमत और उनके लिए खैरख्वाही, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के दिल की जीनत हैं, जो उसके ईमान की क़ुव्वत हैं, इनमें मजबूती पैदा करने की भी कोशिश करें। इस एतबार से भी अपने आप को आमादा करें कि रमज़ान के महीने में मैं खूब मुजाहदा करूँगा और अल्लाह के लिए करूँगा। तो ये दोनों तैयारियाँ रमज़ान की हैं, ज़ाहिरी एतबार से, मसाइल के एतबार से, और बातिनी एतबार से, रूहानी एतबार से, दीनी एतबार से, मिजाज के एतबार से अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार करना है।
तो इसी गर्ज़ गायत से, इसी मकसद के तहत ये पूरे दिन का प्रोग्राम हमारा है, जिसमें ख़ास तौर से हम रमज़ान के मसाइल सीखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि रमज़ान के महीने में जाने के बाद फिर हमको बहुत सारे मसाइल पेश आए और जवाब हमको न मिल पाए। तो पहले से इंसान को मालूम होना चाहिए, मसलन रमज़ान की पहली ही तारीख है, पहला ही रोज़ा है, और आदमी फिर उसकी नींद नहीं खुली, और जब नींद बेदार हो गई तो एहतलाम उसको हुआ है। अब सवाल उसके जहन में पैदा हो रहा है कि मेरा रोज़ा हुआ कि नहीं हुआ, ना मैंने सहरी की, ना मैं बेदार था रोज़े के अव्वल वक्त से, और जब नींद खुली है तो मुझे एहतलाम हो गया है। बहुत सारे नौजवानों का हाल ही होता है, अब मेरा रोज़ा सही है या नहीं है। या इसी तरह से एक औरत है, उसको हैज़ की हालत अचानक रोज़े के दौरान पेश आ जाए, पहले ही रोज़े को, अब वो सोच रही कि मेरा एक रोज़ा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि रोज़ा तो मैंने रखा था, तो ये ज़ाय हुआ या बाकी है, इसकी कज़ा है नहीं। मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए मसाइल हैं, सहूलत है, आराम है, कोई परेशानी नहीं है, एसी गाड़ी में सफ़र कर रहा है, फ़्लाइट में सफ़र कर रहा है, अब ऐसी सूरत में उस पर रोज़ा फ़र्ज है या नहीं। क्या मशक्क़त वाले सफ़र में रोज़ा छोड़ सकते हैं, या फिर राहत वाले सफ़र में भी रोज़ा रखना लाजिम नहीं है। ये सारे मसाइल इंसान को पेश आते हैं। तरावी की नमाज़ कितने रकात है, या इसी तरह से वितर में कुनूत रुकू से पहले हैं या बाद में हैं, कुनूत में क्या पढ़ना चाहिए, या इसी तरह से वितर की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, तफसील उसकी क्या है, कई मसाइल हैं। सदक़तुल फितर ज़कात वालों पर वाजिब है या हर मुसलमान पर वाजिब है, ईद से पहले दे सकते हैं या ईद के दिन ही देना चाहिए, कई मसाइल ऐसे हैं जो आम तौर से मुसलमानों को मालूम नहीं होते हैं। बहुत सारे वो लोग भी जो ये समझते हैं कि हमको ये मसाइल मालूम हैं, उनके पास उन मसाइल की दलील नहीं होती है, वो बस यूं ही बाप दादा से जो चीज़ चली आ रही है उसी के ऊपर चलते रहते हैं, उनके पास क़ुरान से सुन्नत से दलायल नहीं होते हैं। लिहाजा इल्म वाकई वही है जो दलील के साथ हो। इस कोर्स का मकसद भी यही है कि क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में रमज़ान और उसके जितने भी मसाइल हैं उनमें से अहम तरीन मसाइल को हम सीखें। ज़रूरी नहीं कि आज के कोर्स में हम सारे मसाइल का अहाता करें, इसलिए कि जितने इंसान हैं, जितने अहवाल हैं, उन एतबार से मसाइल बदलते भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत सारे मौज़म मसाइल, असल बुनियादी मसाइल जो हमको मालूम होने चाहिए, आज के इस कोर्स में उन मसाइल को सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारा पूरा कोर्स है रमज़ान के अहकाम, और इसमें हम ख़ास तौर से रोज़े और सदक़तुल फ़ित्र और तरावी वग़ैरह से मुतालिक अहकाम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो सेशन हमारे तवील हैं, शाम तक हमको बैठना है और ये सारी चीज़ें हमको सीखना है इंशाअल्लाह। क़ुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है, रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल किया गया है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, शहर के माना अरबी ज़ुबान में महीने के होते हैं। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, और क़ुरान की सिफ़त अल्लाह ताला ने बयान की कि क़ुरान कैसा है। हुदल लिन्नास, ये क़ुरान लोगों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और इसी क़ुरान में हिदायत की निशानियां, हिदायत की दलीलें, और इसी तरह से फ़ुरक़ान की दलीलें। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी बातें बयान की हैं। नंबर एक, पहली बात ये बताई कि क़ुरान करीम का नुज़ूल रमज़ान के महीने में हुआ, ये मारूफ़ है, उमूमन लोग इसको जानते हैं। और न सिर्फ ये कि रमज़ान के महीने में, बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे में और लैलतुल क़द्र में क़ुरान नाजिल हुआ। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र,
अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, और जिस साल ये लैलतुल क़द्र थी जिसमें कुरान नाजिल किया गया उस साल में लैलतुल क़द्र 25वीं रात को थी। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान नाजिल किया गया 24 रातें गुजर जाने के बाद, यानी कौन सी रात आती है फिर 25वीं, तो 25वीं रात को ये नाजिल हुआ। लैलतुल क़द्र के बारे में ये बात साफ वाज़े है, इससे पहले बता चुका हूँ कि साल हर साल ये रात अलग होती है, लेकिन रमज़ान में आखिरी अशरे ही में होती है। आगे हम इसको और मज़ीद तफसील से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। मालूम है कि रमज़ान की फ़ज़ाइल में एक बहुत बड़ी फ़ज़ीलत ये है कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल किया जो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास, जो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। इस हिस्से से ये बात मालूम हुई कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया बल्कि कुरान सारी इंसानियत के लिए है। कुरान सारे लोगों के लिए, चाहे वो गोरे हों काले हों, क़यामत तक के लिए हों, और अरब हों या अजम हों, सब के लिए कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है। वबैनात मिन अल्हुदा वल फुरक़ान, इसको ये कुरान हिदायत है, ये रहबरी है, लेकिन इसी कुरान में हिदायत और फुरक़ान की दलीलें भी हैं। यानी ये कुरान हिदायत है, इसके हिदायत होने की दलीलें भी कुरान में हैं, और दूसरे रास्ते जो कुरान के बताए हुए रास्ते से अलग रास्ते हैं, इन रास्तों में और कुरान के रास्ते में कौन सा रास्ता हक है, इसमें फ़र्क करने की दलीलें भी कुरान में हैं। जैसे एक आदमी मिसाल के तौर पर इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने मिसाल बयान की, एक आदमी मक्का जा रहा है, वाकई वो मक्का के रास्ते पर है, कौन बताएगा? तो कुरान में वो दलीलें हैं जिनसे उसको इत्मीनान हो जाता है कि वाकई यही रास्ता सही है। जैसे आज दुनिया में रास्ते से जब सफ़र करते हैं तो रास्ते से आपको कई बोर्ड भी मिलते जाते हैं, तो आपको यकीन होता जाता है कि वाकई मैं उसी रास्ते पे हूँ। हाईवे पे जब आप जाते हैं तो रास्ते में कई आपको बड़े बड़े यानी बोर्ड मिलते हैं जिससे आपको मालूम पड़ता है कि हाँ बराबर मैं अभी उसी रास्ते पर हूँ। फिर कभी ऐसा होता है कि उस रास्ते से जुड़े हुए और कई रास्ते निकलते हैं, वहाँ फिर इंसान को शक पैदा होता है कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। वहाँ भी इंसान को अलामत ऐसी मिलती हैं जो उसके लिए मज़ीद और वजाहत करती हैं कि यहाँ नहीं, यहीं जाना है। तो कुरान करीम में ख़ुद कुरान हिदायत है, रहबरी है, लेकिन इसी के साथ साथ कुरान में इस बात की निशानियाँ ख़ुद मौजूद हैं कि हाँ ये हिदायत है, ये अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत है। और फिर ज़िंदगी में ऐसे मराहिल जब उसको आते हैं, जब शक और शुबे में पड़ जाता है और सीधी राह और टेढ़े रास्ते उनके दरमियान उसको कन्फ्यूजन होने लगता है, तो कुरान करीम उस वक्त में उसकी रहबरी करके उसको मज़ीद फिर सीधे रास्ते पर कायम रखता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया। अल्लाह ने रमज़ान की फ़जीलत जब बयान की तो उसमें बहुत बड़ी बात ये बयान की कि इसमें कुरान नाजिल किया, क्योंकि कुरान एक बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया की सारी नेमतें, माल मता और दुनिया की सारी ज़ैब व ज़ीनत कुरान के आगे बेकीमत है। फबिदालिका फलयफ़रहू, अल्लाह ने कहा कि ईमान वालों को चाहिए कि इस कुरान की बुनियाद पर खुश हो जाएं, इस कुरान को पाकर वो खुश हो जाएं, और फरमाया कि हुवा खैरु मिम्मा यजमाउन, ये उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिसको जमा करने वाले जमा कर रहे हैं। कुरान से बढ़ के क्या नेमत इंसान को मिल सकती है? इसीलिए आप गौर करें, बात दूसरी तरफ चली जाएगी लेकिन सुन लें इसको। एक सहाबी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल, इस औरत से अगर आप निकाह नहीं करना चाहते मैं करना चाहता हूँ। कहा जाओ घर से कुछ ले आओ। वो पूरे घर में ढूंढ के लाए, कुछ भी नहीं मिला। मेहर के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। कहा जाओ लोहे की अंगूठी सही वो उठा के लाओ। गए तो वो भी नहीं है। कहा कि मेरे पास तहबंद एक है बस,
मेरे पास एक कपड़ा है लपेटने के लिए, कहा कि उसको दोगे तो तुम क्या करोगे, कुछ ऐसी चीज़ जो उसको दी जा सके। फिर आपने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ कुरान है, कहा कि हाँ फुलां सूरत मुझको याद है, फुलां सूरत मुझको याद है, फुलां सूरत मुझको याद है, कहा कि ठीक है जाओ मैंने इस कुरान के बदले तुम्हारे निकाह में इसको दे दिया, यानी जो कुरान तुमको याद है तुम उसको याद कराओगे, तुम उसको सिखाओगे। इससे क्या मालूम हुआ, साहबा के पास दुनिया की मालूमता नहीं थी। कई साहबा ऐसे थे कि घर में कुछ भी नहीं, निकाह के लिए भी कुछ नहीं है, महर भी उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास क्या था, कुरान। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिनको जमा करने वाले जमा कर रहे हैं। इसको साहबा समझते थे, मालूमता नहीं है लेकिन कुरान है उनके पास। तो ये चीज़ बहुत बड़ी नेमत है, और ये जो नेमत है अल्लाह ताला ने कुरान करीम ये रमज़ान के महीने में ये नेमत अपनी नाजिल की। तो रमज़ान के फ़ज़ाइल में से एक बहुत बड़ी फजीलत है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, और इसीलिए आप देखते हैं कि सलफ़ में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल देखें, सहाबा का मामूल देखें, नमाज में और नमाज से बाहर कुरान करीम की तिलावत का ख़ास एहतमाम रमज़ान में आपको मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तरावी की नमाज में ख़ास तौर से कुरान पढ़ते थे, और रमज़ान की रातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ भी कुरान का दौर किया करते थे, आखिरी साल आपने दो मरतबा किया। तो ये रमज़ान के फ़ज़ाइल में से है, इसलिए एक बात ये मालूम होती है कि इस महीने के साथ कुरान की ख़ास मुनासबत है, इस महीने के साथ कुरान का ख़ास ताल्लुक़ है, नुज़ूल के एतबार से भी और तिलावत के अहतमाम के एतबार से भी। इसलिए रमज़ान में हमको चाहिए ख़ास तौर से कुरान करीम का मुताला और इसकी तिलावत का अहतमाम करें, दोनों करें, तिलावत भी करें मुताला भी करें। ये नहीं कि आप तिलावत ना करें मुताला करें, बस पढ़ते जाएं तफसीर पढ़ रहे हैं आप और तिलावत नहीं कर रहे, नहीं, तिलावत भी आप करें। कोशिश करें कि पूरा कुरान मुकम्मल हो जाए रमज़ान के महीने में, कोशिश करें कि नमाज में यानी तरावी में आपका मुकम्मल हो और उसके अलावा भी हो। कोशिश करना चाहिए इस चीज़ की कि रमज़ान में ख़ास तौर से तिलावत करें। ऐसा भी नहीं कि इब्तिदा में दो चार दिन और हफ्ता भर जो है खूब पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, बल्कि पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक आप मुसलसल हर दिन अपनी एक मकदार तिलावत की रखें, बहुत ज़्यादा न सही, एक पारा एक जुज़ आप पढ़ें और पूरा कुरान रमज़ान में आप मुकम्मल करें, इसका अहतमाम करना चाहिए। ये नहीं कि शुरू में जोश में आके पढ़ लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया, 10 रोज़ों के बाद सब ढीले हो जाते हैं उमूमन, इल्ला माशाअल्लाह, पहला आशरा जब चला जाता है उसके बाद सब लोग आ रमज़ान हो गया अपना, तो इस तरह से धीरे धीरे सुस्ती आनी शुरू होती है, रोज़ों में, तरावीह में, तिलावत में, ज़िक्र में और बहुत सारी नेकियों में सुस्ती आने लगती है, वैसे भी जिस्म कमज़ोर होने लगता है और सुस्ती बढ़ती चली जाती है। फिर आदमी ये सोचने लगता है कि ईद कब आएगी, कुछ रोज़े जब चले जाते हैं रमज़ान का नयापन जब ख़त्म हो जाता है, और हर चीज़ का एक नयापन होता है जिसमें जोश होता है, तो जब रमज़ान का वो हिस्सा चला जाता है जिसमें इंसान को रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आया, रमज़ान जी 5-10 दिन चले गए, उसके बाद रमज़ान ही तो है ये, और फिर रमज़ान धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, फिर रमज़ान के बाद लोग क्या कहते हैं, कितने जल्दी चला गया ना, आदमी को लगता है रमज़ान चला गया, आइंदा साल और अच्छे से गुजारेंगे, और हर साल हम इसी गलती को दोहराते रहते हैं और यही हमेशा मामूल बना लेते हैं, ये भी एक बहुत अफसोस की चीज़ है। खैर, तो ये रमज़ान की फजीलत है और इसके लिए एक मुसलमान को मुस्तैद होना चाहिए। आइए अब रमज़ान से मुतालिक अहकाम हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल, अब तकरीबन 50 सवालात हमारे सामने हैं, आज के इस कोर्स में हम इन सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। सवाल नंबर 1, पहला, इसमें पहली फसल क्या है, रमज़ान से मुतालिक चीज़ें क्या हैं, उसमें कई बातें सिर्फ रमज़ान से मुतालिक हम देखेंगे। पहला सवाल,
रमज़ान के रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं। अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, सारी मखलूक़ात का राज़िक है, वो चींटी से लेके समंदर की मछलियों को और आसमान में उड़ने वाले परिंदों से लेके ज़मीन में रेंगने वाले जानवरों को और इंसान को रिस्क देता है, और उसने अपने बारे में बतलाया कि वो खैरुर राज़िकीन है, सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। वो हमको क्यों भूखा रखना चाहता है? क्या अल्लाह के पास खाना कम हो गया? क्या अल्लाह ताला हमको सताना चाहता है, तकलीफ़ देना चाहता है? क्या अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है? ये क्या है, सज़ा है? भूखा रहो, जैसे दुनिया में भी किसी को सज़ा देनी होती है, माँ बच्चे को सज़ा देती है या कैदी को जेलर सज़ा देते हैं, भूखा रहो। तो क्या अल्लाह ताला ये हमको सज़ा के तौर पर भूखा रखना चाहता है? क्यों? ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों में ये सवाल पैदा हो सकता है कि तुम्हारा रब जब तुम बोलते हो कि सारी मखलूक़ात को रिज़्क देता है, इतने अच्छे महीने में तुमको भूखा रखता है, तो रमज़ान में तुमको भूखा क्यों रखता है अल्लाह? हमारे भी जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि क्यों, क्यों ये तकलीफ़? वो भी गर्मी में, अब कई सालों तक रमज़ान गर्मी में आने वाले दिन बड़े और ज़्यादा तवील रोज़े होंगे और गर्मी और धूप में रोज़े आने वाले हैं, तो क्यों ऐसा? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका जवाब दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 83। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिब अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। कुतिबा का मतलब होता है फ़ुरिदा, अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज कर दिया है। क़ुरान करीम में अल्लाह ताला जब फरमाता है तुम पर लिख दिया गया, का मतलब क्या है? तुम पर फ़र्ज कर दिया गया, यानी लाजिम है, छोड़ नहीं सकते। कुतिबा का मतलब है कि तुम्हारे लिए कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, तुम्हारे लिए लाजिम है, तुम छोड़ नहीं सकते इसको। तुम पर रोज़े लिख दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वैसे ही जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यानी रमज़ान की फ़र्ज़ियत यानी रोज़ों की फ़र्ज़ियत कोई जदीद मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा में यह है, पिछली उम्मतों में नहीं था, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ये कोई नई चीज़ नहीं है, तुम पर फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। यहूद नसारा में, अहले किताब में रमज़ान था, बल्कि अगर आदमी देखे तो तकरीबन तमाम कौमों में, तमाम ऐसे अदियान में भी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं किए गए, उनके यहाँ भी रोज़े का कुछ न कुछ तसव्वुर पाया जाता है, इसलिए कि इंसानियत हमेशा से इसको खैर मानती आई है। अल्लाह ताला ने हर उम्मत में रोज़ा रखा, तो अल्लाह ने फरमाया जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो, ताकि तुम तक्वा शियार बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम बचने वाले बन जाओ। तक्वा के माना क्या है? तक्वा के माना है बचना या बचाना, अपने आप को बचाना दो चीज़ों से। अपने आप को बचाना अल्लाह के अज़ाब से, लेकिन कैसे? अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब कब आता है? यूँ ही आता है किसी पर भी? नहीं, अल्लाह का अज़ाब आता है गुनाहों के नतीजे में। तो अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की नाराज़गी से अपने आप को बचाने के लिए उन कामों से बचाना जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है और अज़ाब आता है। तो इस एतबार से दो चीज़ें तक़वा में आती हैं, कि अल्लाह ताला के गुस्से से डरना, अल्लाह की सज़ा से डरना और बचने की तलब दिल में होना। नंबर दो, उन कामों से बचना जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है, जिनसे अल्लाह सज़ा देता है। लिहाजा ये बात मालूम हुई कि तक़वा ये नहीं है कि लोगों के डर से आदमी गुनाह से बचे। जैसे मसलन एक आदमी चोरी कर रहा है और चोरी करते करते पुलिस उसको दिखाई दे और चोरी छोड़ दे, तो क्या ये तक़वा है? नहीं। कोई आदमी शराब पीने का इरादा करता है और उसको कोई पहचान वाला आदमी दिखाई देता है
अपनी इज्जत के लिए शराब नहीं पीता है, छुपा लेता है, सिगरेट छुपा लेता है, तो क्या ये आदमी मुत्तकी है? ये तक्वा नहीं है। अगरचे वो बुराई से बचा लेकिन उसका बचना अल्लाह की खातिर नहीं है, लिहाजा वो तक्वा नहीं है। अल्लाह ताला ने इसलिए दो चीज़ें याद रखी, इसलिए रोज़े में इसकी तरबियत है, अल्लाह के लिए रुकना। तक्वा क्या है इसको याद रखें। कोई आपसे पूछे तक्वा क्या है भाई, तो आप मोटे मोटे अल्फाज में उसको बता सकते हैं, अल्लाह के लिए बुराई से रुकना, अल्लाह के लिए बुराई से रुकना, इसका नाम तक्वा है। सिर्फ बुराई से रुकने का नाम तक्वा नहीं है। और रोज़े में इसकी तरबियत है कि रुकने की सलाहियत तेरे अंदर पैदा। अब होता क्या है, दो में से एक चीज़ होती है, या तो आदमी कहता है अल्लाह से उसका डर नहीं होता है और आदमी गुनाह करता है, जो भी होगा देखेंगे, एक तो ऐसा बहादुर होता है, या तो सिरे से अल्लाह को मानता ही नहीं, या फिर मानता है लेकिन बागी होता है। तो एक आदमी बेखौफ होकर गुनाह पे गुनाह किए जाता है, एक तो ये है। दूसरा वो आदमी है कि जो डरता है लेकिन कहता है मैं कोशिश करता हूँ, और अक्सरियत ऐसी होती है, मैं बहुत गुनाह से बचना चाहता हूँ, बार बार तौबा करता हूँ, दुआ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि गुनाहों से बचूँ, लेकिन क्या करूँ, जैसे ही मौका आता है पाँव फिसल जाता है, पाँव फिसल जाता है, कंट्रोल नहीं होता है। तो या तो इंसान के अंदर बेखौफी होती है, या फिर उसके अंदर रुकने में कमज़ोरी होती है। रमज़ान के महीने में इन दोनों चीज़ों की तरबियत दी जाती है। कैसे? आदमी को रोज़ा रखाया जाता है। रोज़े में क्या है, किन चीज़ों से रुकना, हराम चीज़ों से रुकना या हलाल से, और हराम से नहीं, हराम से भी, हराम से भी और हलाल से भी, यानी शराब भी नहीं पिएगा और पानी भी नहीं पिएगा, तो हराम गाली भी नहीं देगा और झूठ भी नहीं बोलेगा। तो एक आदमी बुराई से रमज़ान में वैसे भी रुकेगा और साल भर रुकेगा, लेकिन एक चीज़ और बढ़ा दी जाती है, कुछ हलाल चीज़ों से भी तुझको बचना है। रोज़े में क्या करना है, खाना नहीं, पानी नहीं, और बीवी से सोहबत नहीं, ये तीनों चीज़ें उसकी रोक दी जाती हैं। तीनों चीज़ें क्या हैं, हलाल हैं, तीनों चीज़ें हलाल हैं। और ये चीज़ें कैसी हैं, ऐसी हैं कि जो इंसान को अंदर से उसका मुतालबा होता है। एक इंसान में शहवत जब पैदा होती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए आप देखें समाज के अंदर आज जो हो रहा है, बच्चियों के साथ, हाँ, बच्चियों की आबरू रेजी, आज आप सोचिए, इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। नंगापन इतना ज़्यादा मीडिया में आम हो चुका है कि इंसान के जज्बात जब भड़कते हैं, उसके अंदर जज्बात जब शहवत के कवि हो जाते हैं, तो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जिना करता है, और इस हद तक गिर जाता है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। तो एक तो ये है कि इंसान के अंदर जज्बात शहवत के होते हैं जिनका कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और दूसरे खाने पीने के जज्बात उसके अंदर हैं, भूख लगती है, जिस्म का तकाजा है, वो कोई अकल का तकाजा नहीं है कि आदमी सोचता है कि चलो खाना खाना चाहिए, सोच के नहीं, भूख लगती है, पेट बोलता है, पेट बोलता है, भूख लगी है, प्यास लगी है, आदमी को खुद उसका जिस्म तकाजा करता है, और ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है जिससे इंसान के अंदर कमज़ोरी भी पैदा हो जाती है। तकाजा होना और उसको रोकना, ये रोज़े की तरबियत है। अंदर से तकाजा हुआ, तकाजा का मतलब डिमांड, भूख की डिमांड, प्यास की डिमांड, शहवत की डिमांड इंसान को दिन भर में होती है, कई मर्तबा होती है, कई मर्तबा भूख लगती है, कई मर्तबा प्यास लगती है, और वो चीज़ हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला रोज़ी की हालत में कहता है नहीं, मेरी खातिर तू रुकेगा शाम तक, सूरज डूबने तक रुकेगा तू, धूप है अल्लाह नहीं रुकना है तुझको, प्यास लग रही, बहुत भूख लग रही है, नहीं। तो आदमी दिन में इन चीज़ों से रुकता है, बार बार खाना सामने आता है, ऑफिस में, घर में, धूप में से आता है, प्यास लगती है,
हाँ, जहन जाता है फ्रिज की तरफ, हाँ जहन जाता है पानी की तरफ, ऑफिस में भी सामने ला के रख देता है चपरासी, नहीं, मेरा रोज़ा है, घर में भी रोज़ा है, अंदर तकाजा है, लेकिन बार बार आदमी के अंदर तकाजे के बावजूद आदमी हलाल से रुकता है। ये जो रुकने की बार बार रुकना है, आदमी अपने अंदर एक सलाहियत पैदा करता है, वो ये कि अंदर से भी तकाजा होगा तब भी मैं रुकूंगा, और किसके लिए रुकूंगा? अल्लाह के लिए। कोई देखने वाला है उसके घर में कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी रुकता है। ऑफिस में गैर मुस्लिम है, अगर खा लेगा पी लेगा कोई क्या कहेगा उसको? कुछ भी नहीं कहेगा, उसको थोड़ी ना मालूम है कि पूरा महीना कंपलसरी है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता, वो समझते इख्तियारी है, रखा रखा, नहीं रखा कोई बात नहीं, अगर एक घूंट पी भी देगा तो कौन देखने वाला है? लेकिन कहता नहीं, मेरा रोज़ा है। क्यों? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के इस्तेहज़ार की बुनियाद पर अल्लाह की मना की हुई चीज़ को रोकना, उससे रुकना, ये क्या है? तक्वा है। रोज़े में 30 दिन तक इसकी तरबियत होती है, बाकी चीज़ों की डिमांड इतनी पावरफुल नहीं होती है। खाना पीना कैसा है? ज़रूरत है, अकल कहती है हलाल है, लेकिन फिर दिल क्या बताता है उसको? अल्लाह ने मना किया है, तो कहता हलाल भी हो तो अल्लाह ने मना किया तो रुकूंगा। तो 30 दिन तक जब वो अल्लाह ताला के मना करने पर हलाल से रुकता है, 30 दिन के बाद उसके अंदर एक कैपेसिटी पैदा होती है कि अल्लाह ने मना किया तो हलाल छोड़ा, अल्लाह ने मना किया तो हराम भी छोड़ूंगा। रोज़े की तरबियत ये है कि अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से रुकना, अपने अंदर वो ताकत पैदा करना। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। रोज़े में क्या होता है? अल्लाह का इस्तेहज़ार, कोई नहीं देख रहा खा, कोई नहीं देख रहा पी, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला का इस्तेहज़ार, जो कि बहुत ज़रूरी है गुनाहों से रुकने के लिए। क्या चीज़ रोक सकती है इंसान को? CCTV रहा तो क्यों रुकता आदमी चोरी से, क्यों रुकता गलत काम से, है कि नहीं? आदमी बैठा हुआ है और CCTV भी है, खाते पीते भी ऐसा खाता है जैसे दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड आदमी है, और अगर TV ना हो तो उसका बस चले तो दोनों हाथ से खाए। आदमी जब उसको कैमरा कोई लगा हुआ है उसके ऊपर, खाइए हम आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना अदब से खाता है, और अगर कैमरा नहीं हो तो खाएगा वैसे ही, कैसा भी खाएगा। तो आदमी जब उसको कोई देख रहा है ये एहसास उसको होता है, तो आदमी पाबंद हो जाता है। रोज़ा इस एहसास की तजदीद है कि कोई देख रहा है, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। और रुकने की प्रैक्टिस करते 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 उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो रुके। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैं रुकना चाहता हूँ लेकिन नहीं रुक पाता, तो रोज़े में उसका ये ब्रेक पावरफुल किया जाता है, उसकी सलाहियत और मजबूत की जाती है कि वो चाहे इरादा करे रुकने का तो रुक सके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो रमज़ान में अल्लाह ने रोज़ों में रखी है। इसीलिए इसी गर्ज़ को अल्लाह ने बयान किया, इसी हिकमत को अल्लाह ने बयान किया, और अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला अपने अहकाम की हिकमत बयान करे, है वो मालिक है। आप अपने यहाँ जो जॉब पे होता है उसको हर चीज़ की वजह बताते? आप नहीं बताते, फलाना काम करो, जाओ वो चीज़ ले आओ वहाँ से, तो आपके यहाँ जो नौकर है पूछेगा क्यों? तो आप बताएंगे इसलिए कि ऐसा, मैं बोल रहा हूँ जा ले, क्या हर चीज़ का पूछता है क्यों? क्यों मालिक मैं हूँ कि तू है? मालिक कौन है? मालिक के लिए ज़रूरी नहीं कि वो बताए क्यों, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीम है, अलीम है, रहीम है, वो बंदों को सिखाता है। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको सिखाता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने रोज़ी की हिकमत बतलाई ताकि बंदे की अक्ल में ये बात ना आए, अल्लाह ऐसे ही खाम खा भूखा रख दिया हमको, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इसलिए हमको भूखा रखा ताकि हमारे अंदर परहेजगारी पैदा हो, जिसको आप दूसरे कहेंगे डिसिप्लिन पैदा हो। सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की कामयाबी की पहली शर्त है। अगर ये नहीं है, दीनी कामयाबी छोड़ दो आप, दुनियावी कामयाबी भी नहीं हो सकती। दुनिया में अक्सर नाकामी की वजह इंसान की ज़िंदगी में बेउसूली होती है, पाबंदी नहीं होना, चाहे वो वक्त की हो, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। एक इंसान जब डिसिप्लिन होता है वो कामयाब होता है।
लिहाजा रोज़ा आदमी को डिसिप्लिन बनाता है कि वो अपनी, देखिए दो चीज़ें इंसान की, एक है उसकी जिबिलत और दूसरे है उसका इल्म। अक्सर इंसान अपनी चाहत के ताबे होता है, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो अपने इल्म के ताबे हो। इसीलिए इम्तिहान के तौर पर बच्चे खेलते हैं इम्तिहान के वक्त में, तो माँ बाप कहते बेटा ये पढ़ने का वक्त है, ये अभी खेलने का वक्त नहीं है, लेकिन खेलते हैं और मार्क्स कब मिलते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी में कई मौाक़े आते हैं जो करना है आदमी नहीं करता उस वक्त में। क्यों? इसलिए कि वो चाहत के ताबे होता है, इल्म के ताबे नहीं। और इंसान की नाकामी चाहे दुनिया की हो या आखिरत की, सबसे बड़ा उसका बुनियादी सबब ये है कि उसके आमाल, उसका जीना, उसकी हरकतें इल्म की बजाय चाहत के ताबे हो जाए। रोज़ा इस बात की तरबियत है कि चाहत के ताबे नहीं होना, इल्म के ताबे होना मेरा रोज़ा है। इन्नी साइम, मेरी चाहत दिल अंदर अंदर से बोल रहा है खा पी, दिल अंदर से तकाजा कर रहा है, लेकिन इल्म बता रहा है नहीं, रोज़ा है, रोज़े में नहीं खाते, रोज़े में पानी नहीं पीते, रोज़ा टूट जाएगा, कोई नहीं देख रहा है नहीं, लेकिन मैं रोज़े से हूँ। तो रोज़े का ये सबक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो आदमी इसको समझ ले और इस तरह से रमज़ान का महीना गुजारे, हर रोज़ा इस सलाहियत की तकवियत के लिए जरिया समझकर हर आदमी सहरी में सोचे आज मेरा रोज़ा कल का ठीक से नहीं गुजरा, आज अपने रोज़े में मैं ये सलाहियत अपने अंदर पैदा करूँगा कि मैं बुराइयों से रुक सकूँ। मेरे अंदर कंट्रोल कल जितना था आज ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ का मतलब रोज़ा फेल है। अगर मेरे अंदर अपने आप पर काबू पाना, चाहे वो गाली देने के अतबार से हो, झूठ बोलने के अतबार से हो, गइबत के अतबार से हो, चोरी के अतबार से हो, या किसी भी अतबार से हो, निगाह की हिफाजत के अतबार से हो, रोज़े में नहीं करता हिफाजत, करता, बाद में क्यों नहीं करता? इसलिए कि समझता रमज़ान का महीना बस गुजरने दे, उसके बाद देख कैसा फिल्म, फौरन जाएंगे अगले दिन। रमज़ान में टीवी पे क्या करेगा, कपड़ा डाल के रखेगा। आप एक महीने के लिए बुरके में पर्दे में हो, जैसे ही महीना ख़त्म हो जाएगा आप निकलो बाहर, वो तो कोई बात नहीं, एक महीना चल जाएगा, 11 महीने बाकी ना। तो हमारा रमज़ान कैद खाना है, वो तरबियत का महीना नहीं बनता है। वैसे ही जैसे शयातीन के लिए कैद खाना है, हमारे लिए भी कैद खाना हो जाता है, क्या फ़ायदा फिर? अगर हमारा मिजाज ये हो, अगर दोस्त हमारा गैर मुस्लिम कहता है चल फिल्म देखने जाएंगे, बोलते नहीं रे रमज़ान है, रमज़ान के बाद, रमज़ान के बाद, तो ये कोई रमज़ान है आपका? रमज़ान का महीना तरबियत का महीना होना चाहिए, वो कैद खाना नहीं होना चाहिए। ये सबक रमज़ान का है, हम ऐसा उसको अपने लिए बनाएं। तो ये बात भी याद रखना ज़रूरी है। तो पहला सवाल हमने समझा कि रमज़ान के रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, तो अल्लाह ताला ने बतलाया तुम्हारे अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा हो उन चीज़ों के मुकाबले में जिनसे अल्लाह ने मना किया है, तुम्हारे अंदर अपने आप को रोकने की सलाहियत पैदा हो। इमाम अल-बैदावी कहते हैं लअल्लकुम तत्तकून अल-मआसी, ताकि तुम गुनाहों से बचो, फ़इन्ना सौमा यकसिरु शहवत अल्लती हिया मबदाउहा, इसलिए कि रोज़ा शहवत को तोड़ता है जो कि गुनाहों की शुरुआत और उनकी असल है। आदमी की शहवत क्या है? गुनाहों का ज़रिया है, शहवत की वजह से आदमी गुनाह करता है। कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء, जो आदमी निकाह ना कर सके नौजवान, उसके लिए दूसरी चीज़ क्या है? रोज़ा। और आपने क्या फरमाया? فإن الصوم له وجاء, इसलिए कि रोज़ा उसकी शहवत को काटता है। रोज़ा क्या करता है? शहवत को काटता है। तो इंसान की शहवत गुनाहों की बुनियाद है, मंबा है उसका। रोज़ा शहवत को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा करता है। अगर ये सलाहियत इंसान में ना हो, आप ऐसी गाड़ी ख़रीदेंगे जिसमें ब्रेक नहीं, हाँ कोई आदमी कहे आपको मैं फ्री छोड़ता हूँ, चलिए हाईवे पे बहुत दौड़ती गाड़ी, कितने घंटे में पहुँचना है आपको? 4 घंटे में, 3 में पहुँचाता आपको, बल्कि जल्दी भी पहुँचा सकता है। क्यों?
आप बैठे गाड़ी में, बैठते ही क्या कहा उसने, एक बात बताना जरूरी समझता हूं, बैठने से पहले समझ ले इसको, इसमें ब्रेक नहीं है। आप बैठेंगे उस गाड़ी में, यकीन मानिए हाईवे पे जाने वाली है, फुल स्पीड पे जाने वाली है, और 3 घंटे में नहीं 2 घंटे में पहुंचाएगी आपको। उसका बस चले तो जल्दी और मंजिल पे नहीं, सीधा अल्लाह के पास पहुंचा दे। आप बैठेंगे उस गाड़ी में, नहीं कहेंगे भाई मेहरबानी करो मैं पैसे देता तुमको, उतारो मुझको नीचे, नहीं बैठेंगे। क्यों? ब्रेक जिस गाड़ी में ना हो वो मंजिल की तरफ नहीं हलाकत की तरफ जाती है। इसको याद रखिए, जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो वो मंजिल की तरफ नहीं जाती, वो कहाँ जाती है? हलाकत की तरफ। जिस इंसान की ज़िंदगी में ब्रेक ना हो, गुनाहों से ब्रेक ना हो, वो ज़िंदगी कामयाबी की तरफ नहीं जाती है, वो हलाकत की तरफ जाती है। रोज़ा इंसान की ज़िंदगी में उसकी गाड़ी में ब्रेक लगाता है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपनी शहवतों पर काबू पाने वाला बने, और यही रोज़े का सबक है। सवाल नंबर 2, ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े और क़ियाम के क्या माना है? आप देखेंगे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े और क़ियाम रमज़ान के बारे में जब उनकी फजीलत बयान की तो उसमें 2 बातें आपने बयान की और 2 शर्तें आपने बयान की गुनाहों की मग़फ़रत के लिए, कि रोज़े भी इंसान के गुनाहों का कफ़ारा है, मग़फ़रत का ज़रिया है, क़ियाम रमज़ान भी इंसान के लिए मग़फ़रत का ज़रिया है। लेकिन ये मग़फ़रत हासिल होगी किसके लिए, किसको हासिल होगी और किस बुनियाद पर हासिल होगी? 2 चीज़ें अगर रोज़ों में और क़ियाम रमज़ान में होंगी तो ही मग़फ़रत होगी, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? ईमान और एहतिसाब। जिसके रोज़े में और तरावीह में ईमान और एहतिसाब हो उसकी मग़फ़रत होगी। मालूम हुआ कि 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, ये 2 चीज़ें क्या हैं और इसका क्या मतलब है, आइए एक एक करके देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हदीसों में 2 बातें बयान की, फरमाया मन साम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिही। जो रोज़ा रखे रमदान का, यानि रमदान के रोज़े रखे ईमानन व इहतिसाबन, ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले सारे गुनाहों की मग़फ़रत हो जाएगी। यानि रमदान के रोज़े रखें ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले सारे गुनाहों की मग़फ़रत हो जाएगी। इसी तरह से आपने फरमाया मन क़ाम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जो रमदान के महीने में क़ियाम करें यानी तरावीह का अहतमाम करें, उसके ईमान और एहतिसाब के साथ उसके पिछले सारे गुनाहों की मग़फ़रत हो जाएगी। इन दोनों हदीसों में आप देखेंगे कि 2 चीज़ों की, यानी 2 चीज़ों को बतौर शर्त बयान किया गया है, ईमान और एहतिसाब। ईमान और एहतिसाब, ये 2 चीज़ें, ईमान और एहतिसाब, इसका क्या मतलब है? तो मालूम है कि आपको रोज़े भी ईमान और एहतिसाब के साथ रखने हैं और आपको तरावीह का अहतमाम भी ईमान और एहतिसाब के साथ करना है, तब जाकर ये आपके लिए मग़फ़रत का ज़रिया बनेंगे। ये 2 चीज़ें क्या हैं? ईमान के साथ रोज़े रखने का मतलब ये है कि अल्लाह के वादों पर यकीन, नंबर 1। ईमान के साथ रोज़े रखना, ईमान के साथ तरावीह का अहतमाम करना, इसका मतलब ये है कि जो अजर अल्लाह ताला ने उसके लिए बयान किया है, जो वादे अल्लाह ताला ने बयान किए हैं रोज़े और तरावीह के लिए, उसमें ईमान हो का मतलब यकीन हो, कि जो वादा किया ऐसे शक ना हो, यकीन हो। नंबर 2, एहतिसाब के साथ उन वादों की या अजर की उम्मीद और तलब में आदमी अमल करे, या 2 अल्फाज में आप अगर उसको कहें मुख्तसर, तो ईमान से मुराद यकीन है और एहतिसाब से मुराद तलब है, तलब है। और 2 कमियां आदमी के यहाँ होती हैं अमल करने के अतबार से। कोई वादा किया जाए कि तुम ऐसा करो तुमको ये अता किया जाएगा,
अगर कोई वादा हो कि तुम ये काम करोगे तुमको ये मिलेगा, कभी यकीन नहीं होता है, कभी तलब नहीं होती है, कभी यकीन नहीं होता, मालूम नहीं कि देंगे कि नहीं देंगे। अगर मसलन वालिदैन बच्चे से कहें तुम पास हो जाओगे तुमको फलानी चीज़ हम देंगे, खिलौना ला के देंगे, कभी बच्चे को यकीन नहीं होता है, हमेशा से वादा करते लेकिन देते नहीं है, तो कभी क्या होता है वादे पर यकीन नहीं होता है, और ये यकीन ना होना अमल में कमज़ोरी पैदा करता है, कभी कभी बेअमल कर देता है। दो, यकीन तो होता है नहीं, जब वादा किया है तो देंगे, लेकिन मुझको नहीं चाहिए, मुझको कुछ और चाहिए, तो कभी ऐसा होता है कि वादा उस पर यकीन तो होता है लेकिन उसकी तलब दिल में नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी के अमल को या तो बेहतर बनाती हैं या तो सुस्त उसको कर देती हैं। तो मोमिन को चाहिए कि जो वादे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं, नंबर एक उन वादों का यकीन उसके पास मजबूत होना चाहिए, दो उन वादों पर, उन वादों की या उस अता की तलब भी आदमी के दिल में मुझको चाहिए कि अल्लाह ताला जब भी वादा करें तो उसका यकीन भी हो और उसकी चाहत भी दिल में हो कि मुझको ये चाहिए। जब ये दो चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं तो आदमी के आमाल बहुत कीमती बन जाते हैं, उसके अमल का जज्बा और बढ़ जाता है और अमल में जान पैदा हो जाती है। लिहाजा कहा कि जो इंसान ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखे रमज़ान के, उसके पिछले सारे गुनाहों की मगफरत हो जाएगी। दो, जो आदमी रमज़ान में क़याम करे, तरावीह का एहतमाम करे, इबादात का एहतमाम करे ईमान और एहतसाब के साथ, इस पर क्या वादा अल्लाह का है उस पर यकीन हो और उस वादे की चाहत और रगबत और तलब के साथ हो, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों की मगफरत करेगा। अल्लाह ताला के वादों की तलब और उसकी रगबत इंसान के अमल की लज्जत को बढ़ा देती है। वादों में यकीन और रगबत अमल को बेहतर बनाती है। लिहाजा कोई काम आपको कोई कह दे कि आप इतना कागज़ है इस पर एक सफ़े पर इतना लिख दो आपको 1 करोड़ मिलेंगे, बस ये कागज़ है इसको कॉपी करो इसके ऊपर, अब आप कहेंगे इतने से काम पे कोई देता है क्या 1 करोड़, तो आपको यकीन नहीं है, कभी तो ऐसा होगा और कभी रगबत इसमें तो नहीं होगी, रगबत रहेगी इसके अंदर, लेकिन जैसे एक आदमी को यकीन भी हो देगा और मुझको चाहिए भी, तो फिर आदमी क्या करता है वो सफ़ा जब लिखना शुरू करेगा उसको आप सोचिए उस अमल में कितना मज़ा आएगा, उस अमल में मज़ा आएगा, हर लफ्ज़ पर उसको समझेगा 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ उसको, हाँ उस अमल के अंदर उसकी क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। लेकिन कोई आपसे ये कहे कि 100 सफ़हात आपको ये पूरे जो है 100 बोरी उठा के वहाँ रखने हैं, आपको 5 रुपये दूंगा, समझ में आ रही बात, ये 100 बोरी उठा के यहाँ से वहाँ दूसरे कमरे में रखने कितने पैसे मिलेंगे 5 रुपये, आपको रगबत है 5 रुपये, तो आप अमल करेंगे नहीं, रगबत ना होना आदमी को बेअमल कर देता है। और अगर कहे कि 1 बोरिया रख दो 1 लाख दूंगा, तो आप 1 लाख 1 बोरिया रखने में मिलता है, यकीन नहीं है, तो आदमी अमल करता है नहीं। तो यकीन और रगबत ये दोनों चीज़ें आदमी के अमल में होना चाहिए, तब अमल मजबूत हो जाता है। अगर देने वाला सखी है, सच्चा है, वादे पूरे करता है, कहे 1 बोरिया उठा के रखो तुमको 1 लाख दूंगा, आदमी को बोरिया उठाने में मज़ा आएगा और कहेगा साहब और हैं, आदमी क्या कहेगा 1 के बाद और हैं, मैं पूरा दिन कर सकता हूँ, कितने लाख मिलेंगे, तो आदमी को उस मुजाहदे में भी लज्जत पैदा हो जाती है जब वादे पर यकीन हो और वादा ऊँचा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अजीम शान है, अल्लाह ताला क्या देगा हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इतनी आला चीज़ अल्लाह दे सकता है। वो यकीन और वो रगबत आदमी के दिल में होना चाहिए, तब जाकर अमल बेहतर बनता है। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़ौलुहु ईमानन ऐ तस्दीकन बिवअदिल्लाहि बिस्सवाबि अलैह, ईमान के साथ अमल करने का मतलब क्या है, अल्लाह ताला के वादे और उसके सवाब की तस्दीक के साथ अमल करें, उसको सच्चा मानते हुए उसकी यकीन के साथ। और वहतिसाबन का मतलब है, कहते हैं
اي طلبا للاجر لا لقصد اخر من رياء او نحوه. یعنی کہتے ہیں کہ احتساب کے ساتھ عمل کرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اجر کی طلب میں اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں، مثلا دکھاوے کے لیے. یعنی آدمی احتساب کے ساتھ عمل کرے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اخلاص ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک انسان عمل تو کرے دینی لیکن اس میں نیت ہو دنیوی. دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، ظاہر و باطنی. مثلا ایک آدمی روزہ رکھے اور اس کی نیت کیا ہو، اپنے سے سال بھر ڈائٹنگ تو ہوتی نہیں، رمضان میں ہو جائے گی، ہاں گرما گرمی میں سب کے ساتھ مل کے روزے ہو جائیں گے 30، ڈائٹنگ ہو جائے گی اپنی. نیت کیا ہے؟ اگر ڈائٹنگ کا اس کو شوق نہ ہوتا تو روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن وزن کم کرنا ہے اور ڈاکٹر بولا آپ کو ضروری ہے، اس وجہ سے روزے رکھ رہا ہے. اصل غرض و غایت اس کی یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں رکھا، دوسرے دکھاوے کے لیے رکھے کہ لوگ تعریف کریں یا لوگ برا نہ کہیں. ریا دو طرح سے ہوتی ہے، ایک عزت کمانے کے لیے، ایک عزت بچانے کے لیے. ہے ہاں، صرف کمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. مثلا آدمی روزے رکھے اس لیے کہ اگر میں نے نہیں رکھے تو لوگ نام رکھیں گے، بچے بچے روزے رکھ رہے اور آپ نہیں رکھ رہے، تو عزت بچانے کے لیے آدمی عمل کرے، یہ بھی ریا ہے. اس لیے کہ دونوں صورتوں میں کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام کو بنانے یا بچانے کے لیے عمل کر رہا ہے، اس لیے نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کی رکھنا چاہیے. تو احتساب یہ ہے کہ کسی اور غرض سے عمل نہ کرے، اللہ کے لیے عمل کرے. تو یہ دو جو باتیں ہم نے سیکھی، یہ اصل اور بنیادی، اس لیے میں نے زیادہ تفصیل سے اس کو سمجھایا. مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ دو باتیں، جو پہلی بات روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور دوسری بات ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، صرف روزہ نہیں، صرف تراویح نہیں، بلکہ ہمارے صدقات اور ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں میں کیا ہونا چاہیے؟ دو چیزیں، وہ کیا ہیں؟ ایمان اور احتساب. ایمان کیا ہے؟ ثواب کا. ہاں سب ہاں بول رہے ہیں آپ لوگ، پھر کیا کہیں کہاں آپ لوگ. وعدے، جو اللہ کا وعدہ ہے یا اجر ہے، ثواب ہے، اس کا یقین. اور احتساب یعنی طلب، اس کی طلب، اس کی رغبت ہونا چاہیے. بولنے سے تھوڑا نیند بھاگتی ہے. نمبر تین، تیسرا مسئلہ، کیا رمضان میں سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں، یا بعض قید کیے جاتے ہیں، یا قید ہی نہیں کیے جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس معاملے میں مختلف اقوال اہل علم کے ہیں. بعض نے کہا کہ سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں، قید کا مطلب قید. بعض دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد جنات کا قید کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے دار اپنے آپ کو چونکہ روزے میں جکڑ لیتا ہے، اس وجہ سے شہوتیں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں اور شیاطین کے وسوسوں کا اثر اس پر نہیں ہو پاتا ہے، اس اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کا بس روزے دار پر نہیں چلتا ہے. یہ دوسرا قول ہے کہ قید تو نہیں ہوتے ہیں لیکن اس پر زور ان کا نہیں چلتا ہے. تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ شیاطین قید ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں، ان میں سے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث کے مطابق یہ بات ہے اور روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے. جن علماء کا کہنا ہے کہ سارے شیاطین قید ہوتے ہیں، وہ بھی قول صحیح نہیں ہے. جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ قید تو نہیں ہوتے ہیں لیکن کمزور ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، تو اس کا ہم تاویل کرنا بھی مناسب نہیں ہے، حدیث کے ظاہر کو ہی لینا زیادہ اولا ہے. لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی جنات شیاطین تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے قید نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض قید ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین مردۃ الجن، شیاطین کو جو سرکش جنات ہوتے ہیں، دیکھیے شیاطین کا لفظ کہنے کے بعد اس کی اور صفت بیان کی
मरदतुल जिन, मरदा मारिद की जमा है, मारिद सरकश, सरकश। तो शयातीन को जो सरकश जिन होते हैं इनको क्या किया जाता है, सुफिदत, इनको बेड़ियां पहनाई जाती हैं, इनको तौक पहनाए जाते हैं। वगुल्लिकत अबवाबुन नार, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्तह मिन्हा बाब, उनमें से कोई एक दरवाज़ा भी जहन्नम का खुला नहीं रखा जाता। वफुत्तिहत अबवाबुल जिनान, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युगलक मिन्हा बाब, उनमें से जन्नत के दरवाज़ों में से एक भी दरवाज़ा बंद नहीं रखा जाता। वनादा मुनादिन, और एक निदा लगाने वाला, मुनादी निदा लगाने वाला पुकारता है, या बागियल खैर अकबिल, ए खैर की चाहत रखने वाले, ए खैर के तालिब आगे बढ़, मुतवज्जा हो जा। वो या बागिय शर अकसर, और ए शर के चाहने वाले, ए शर का इरादा रखने वाले रुक जा। वलिल्लाहि उतका मिनन नार, और अल्लाह ताला की तरफ से कई लोग जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं। उतका अतीक की जमा अतीक, जिसको आज़ाद किया जाए, तो जहन्नम से कई लोगों को अल्लाह ताला आज़ाद कर देता है। और बाज़ रिवायतों में आया है कि वज़ालिका फ़ी कुल्ली लैला, यह हर रात होता है, यानी जहन्नम से आज़ाद किया जाना हर रात होता है। तो ये सोचिए, यहाँ कई बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, जिसमें से पहली बात यह है कि सुफिदति शयातीन मरदतुल जिन, शयातीन सरकश, शयातीन सरकश जिन्नात, इनको क़ैद किया जाता है। क्यों क़ैद किया जाता है? उलमा ने कहा इसकी वजह यह है कि रोज़ेदारों को परेशान ना करें, इसके लिए उन्हें क़ैद किया जाता है। और जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं। उलमा ने कहा कि इससे मुराद वाकई ये है कि जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और जहन्नम के बंद किए जाते हैं। बाद उलमा ने कहा कि इससे मुराद ये है, जन्नत के दरवाज़े खोलने का मतलब ये है कि आमाल आसान हो जाते हैं, नहीं। उलमा ने कहा कि खोले जाते का मतलब जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, इसका असर ये होता है कि लोगों में जन्नती आमाल बढ़ जाते हैं और जहन्नमी आमाल घट जाते हैं। तो उलमा ने कहा कि जन्नत के दरवाज़ों का खोलना और जहन्नम के दरवाज़ों का बंद करना, इसी का असर होता है कि लोगों की ज़िंदगियों में उमूमन रमज़ान में तब्दीली आती है। कितने पापी होते हैं जो वापस से दीन की तरफ रुजू करते हैं, भले एक महीने के लिए क्यों ना हो, लेकिन कई लोग हैं जो गुनाहों को छोड़ के दीन की तरफ रागिब होते हैं रमज़ान के महीने में। ये कैसे होता है? बाज़ उलमा ने कहा कि इसी का असर होता है कि जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और जहन्नम के बंद किए जाते हैं। और एक निदा लगाने वाला निदा लगाता है, अल्लाह की तरफ से पुकार लगाने वाला पुकार लगाता है, ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़ और ए शर के चाहने वाले रुक जा। और अल्लाह ताला बहुत से बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है, यानी बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी अमली ज़िंदगी इस दर्जे में पहुंच चुकी होती है कि अगर मर गया तो जहन्नम में चला गया, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से ऐसे बंदों को जहन्नम के अज़ाब से आज़ाद कर देता है, यानी वो लायक हो चुका है लेकिन अल्लाह माफ़ कर देता है। क्यों? अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वो बादशाह है, जिसको चाहे सजा दे, जिसको चाहे माफ़ कर दे। हाँ, वो बेगुनाह को सज़ा नहीं देता लेकिन गुनाहगार को माफ़ कर सकता है, समझ में आई बात? वो ऐसा नहीं करेगा कि बेगुनाह को खामखा सज़ा दे, ऐसा नहीं करेगा, ये जुल्म होता है कि एक आदमी का गुनाह नहीं और सज़ा हो उसको, अल्लाह ऐसा नहीं करता है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला एक गुनाहगार को माफ़ कर दे तो ये क्या है? उसकी रहमत है, ये जुल्म नहीं है, ये रहमत है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ़ कर दे। तो इस महीने में अल्लाह ताला बाज़ बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न हिब्बान, हाकिम और बहकी ने रिवायत किया है, और अल्फाज इब्न खुज़ैमा के हैं।
तो इससे ये बात मालूम हुई कि बाज़ शयातीन को कैद किया जाता है, ना कि सारे। इसकी ताईद मज़ीद और अहादीस से भी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नहा कानत उबीनत ली लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र मुझे मुझ पर जाहिर की गई, मुझे बताया गया कि लैलतुल कद्र क्या है, उबीनत मेरे लिए वाज़ हो गई, हुआ इन्नी खरज तुली उखबिरकुम बिहा, और मैं अपने घर से बाहर निकला था कि तुम्हें लैलतुल कद्र के बारे में खबर दूँ, बताऊँ। फजा रजुलानी, लेकिन दो आदमी आए, यह तक्कानी, आपस में जो लड़ रहे थे अपने हक के लिए, यह तक्कानी, हर एक कह रहा था कि हक पर मैं हूँ, वो अपने हक के लिए लड़ रहा था, मा हुम शैतान, और उन दोनों के साथ शैतान था, मा हुम शैतान, फनुस्सीतुहा, तो मुझे ये रात भुला दी गई। ये बुखारी की रिवायत, और ये रमज़ान के महीने का वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और आपने कहा कि मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था और अल्लाह ने मुझको वाज़े किया था कि कौन सी रात लैलतुल कद्र है, लेकिन इतने में दो आदमी आए जो लड़ रहे थे आपस में, और उन दोनों के साथ शैतान था, तो ये रात मुझे भुला दी गई। तो रमज़ान के अंदर शैतान कहाँ से आया, तो आपने कहा कि मा हुमा अश्शैतान, उन दोनों के साथ शैतान था। तो ये मुमकिन है कि रमज़ान के महीने में भी शैतान हो। इसलिए बाद लोगों को आप देखेंगे रमज़ान के महीने में उनमें जीना आ जाता है, बाद लोग ये समझते हैं ये ड्रामा कर रहा है, लेकिन ड्रामा नहीं, वाकई सही होता है। तो आदमी फिर शक में आता है कि हदीस में तो है कि रमज़ान में शयातीन को कैद किया जाता है, फिर ये क्या है, तो हदीस में शक करें या उसके अंदर शक करें, तो दोनों भी लगता है कि हदीस भी तो सच्ची होती है, हदीस झूठी नहीं होती है, और इसके अंदर भी जिन है वाकई, हाँ संस्कृत में बोल रहा है, फ्रेंच में बोल रहा है, तो इसको तो आती नहीं है, ये क्या है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसका जवाब ये है कि बाज़ शयातीन कैद होते हैं, सारे नहीं। तो सारे सवालात का जवाब इसमें आदमी को मिल जाता है। इसके कुरान और सुन्नत का इल्म आदमी के पास अगर हो तो बहुत सारे शुबहात का जवाब उसको मिल जाता है, बल्कि सारे शुबहात का अगर गहराई के साथ इल्म हो।